टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11th इंग्लिश की पोयम नंबर 5 है फादर टू सन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, डज द पोयम टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट अ फेयरली यूनिवर्सल। अगर आपने इस पोयम को पढ़ा है तो इसमें जो फादर हैं उनके अपने बच्चे से, अपने बेटे से विचार नहीं मिल रहे हैं। अब पापा ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चे के क्लोज आ जाए, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या ये जो पोयम एक पर्सनल एक्सपीरियंस है या ये हर घर की कहानी है। तो देखो इसका आंसर हम कैसे देंगे भाई, एक्चुअली देखा जाए तो ये जो पोएट है, जो फादर है, जो लिख रहा है, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो आजकल हर दूसरे घर की ये कहानी है, पेरेंट ये शिकायत करते हैं कि जो बच्चा है उससे हमारे विचार नहीं मिलते। तो आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम यहां लिख देंगे यस, डज द पोयम टॉक, यस द पोयम टॉक्स ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस। केवल यस लगा के पूरा का पूरा एज इट इज उतार दिया। लेकिन बट दीज डेज वी फाइंड सच सिचुएशन इन एवरी होम। इस तरह की जो चीजें हैं आजकल हम हर घर में देखते हैं, पेरेंट एंड चिल्ड्रन हैव डिफरेंट ओपिनियंस। जो बच्चा है या जो पेरेंट है दोनों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज एक लाइक दे देना, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो मैं तीन तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन वीडियो लाइक कर देना, 1, 2, 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक सब्सक्राइब से एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू चिल्ड्रन। How is the father's helplessness brought out in the poem? पापा जो हैं, जो फादर हैं, जो लिख रहे हैं इस पोयम को, उनकी हेल्पलेसनेस मतलब वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, किस तरह से दिखाया गया है पोयम में। तो देखो पोयम में ये दिखाया गया है कि जो वो फादर, जो इस सन के फादर हैं, अब उनके विचार अपने बेटे से नहीं मिलते। लड़का कुछ कहता है और फादर कुछ कहते हैं, ये एक इमोशनल पिक्चर मैंने यहाँ लगाई आपको समझाने के लिए। फादर के पास जो भी है, धन दौलत मनी सब कुछ वो अपने बच्चे को देता है ताकि उसका बच्चा बड़ा हो जाए, कुछ अच्छा बन जाए। लेकिन वो बच्चा एक दिन उसके विचार बदल जाते हैं। अब ये जो फादर है ये कहते हैं कि मैं हर कुछ करने के लिए रेडी हूँ, ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं बदलने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहे। तो इस तरह से हमको पता चलता है एज अ रीडर वी कैन सी फादर्स हेल्पलेसनेस। जब हम इस पोयम को पढ़ते हैं तो हम फादर की हेल्पलेसनेस देख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द पोयम वी कम टू नो, लास्ट में हमको क्या पता चलता है, दैट द फादर इज रेडी टू गिव एक्स्ट्रा फ्रीडम दैट सन वॉन्ट्स। भाई बच्चा चाहता है कि मुझे रोको टोको मत, मैं अपने दोस्तों के पास जाऊं, मेरे दोस्त मेरे घर पे आए, मैं शोर मचाऊं, कुछ भी करूं, तो पापा उसके लिए भी उसके रेडी हो जाते हैं जस्ट टू बींग क्लोजर विद हिम, क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहते हैं, उसके क्लोज रहना है। He is even ready to spend more money on him. बच्चा जैसे ज्यादा पैसों की डिमांड करेगा तो वो भी देने को तैयार है, बस वो ये चाहते हैं कि उनका और उनके जो बेटे का रिलेशन है वो अच्छा बना रहे। तो इस तरह से हमें फादर की हेल्पलेसनेस पता चलती है। Identify the phrases and lines that indicate the distance between father and son. किन लाइन से और किन फ्रेजेस से हमें ये पता चलता है कि फादर और सन के बीच में दूरी आ गई है, तो ये तो हमने पूरा क्वेश्चन से ही उतारा है। कौन कौन सी वो चीजें, नंबर वन है आई डोंट कॉम्प्रीहेंड दिस यंगस्टर। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा। इस वाली लाइन से पता चलता है कि दोनों के बीच दूरियां हैं। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, फादर कह रहे हैं मुझे इस लड़के के बारे में कुछ पता नहीं है, कहाँ जाता है, कहाँ मिलता है, किससे मिलता है। नंबर 3, वी कन्वर्स एज दो वी आर स्ट्रेंजर्स, और हम लोगों के बीच या तो बातचीत होती नहीं है, और होती है तो इस तरह की होती है जैसे हम दोनों अजनबी हैं, स्ट्रेंजर्स हैं। नेक्स्ट, Does the poem have a consistent rhyme scheme? क्या poem के अंदर कोई rhyme scheme है consistent? तो answer है no. There is no, not a regular rhyme scheme in the poem. बस यही question है। इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में, देखता हूँ कितने बच्चे right answer देते हैं। Who wants to do everything just to stay close to his son? अपने बच्चे के close रहने के लिए कौन सब कुछ करना चाहता है? उसका father, उसकी mother, उसके grandfather या ग्रैंडमदर? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप छोटा सा वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।